नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, उत्तराखंड में एक ऐसा शिवालय है जहां कहा जाता है कि इसके दर्शन मात्र से ही वाराणसी के काशी विश्वनाथ के दर्शन पाने का फल मिलता है। भारत में यूँ तो तीन काशी प्रसिद्ध है, एक काशी वाराणसी वाली प्रसिद्ध है तो दो काशी उत्तराखंड में है। पहला है उत्तर काशी और दूसरा गुप्त काशी। उत्तर काशी शहर माँ भागीरथी गंगा के तट पर स्थित है। इस नगर के बीचों बीच महादेव का भव्य मंदिर है, काशी विश्वनाथ मंदिर। गंगोत्री धाम जाने से पहले बाबा विश्वनाथ के दर्शन जरूरी माने जाते हैं। उत्तर काशी को प्राचीन समय में विश्वनाथ की नगरी कहा जाता था। केदारखंड और पुराणों में उत्तर काशी के लिए बाड़ाहाट शब्द का प्रयोग मिलता है। पुराणों में इसे सौम्य काशी भी कहा गया है। यह मंदिर उत्तर काशी बस स्टैंड से 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना परशुराम द्वारा की गई थी। महारानी कांति ने 1857 में इस मंदिर की मरम्मत करवाई थी। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं मंदिर के प्रांगण में। उत्तर काशी के बारे में कहा जाता है कि किसी समय वाराणसी कोकल युग में यवनों के संताप से पवित्रता भंग होने का श्राप मिला था। इस श्राप से व्याकुल होकर देवताओं और ऋषि मुनियों द्वारा शिव उपासना का स्थान भगवान शंकर से पूछा तो उन्होंने बताया कि काशी सहित सब तीर्थों के साथ वह हिमालय पर निवास करेंगे। इसी आधार पर वरुणावत पर्वत पर असी और भागीरथी संगल पर देवताओं द्वारा उत्तर काशी यानी उत्तर काशी बसाई गई। यही कारण है कि उत्तर काशी में सभी मंदिर एवं घाट स्थित हैं जो वाराणसी में स्थित हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार उत्तर काशी में ही राजा भगीरथ ने तपस्या किया था। इसी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया था। आप देख सकते हैं यह प्रांगण है काशी विश्वनाथ मंदिर का, और काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक सामने ही माँ पार्वती त्रिशूल रूप में विराजमान है। यह शक्ति मंदिर है और कहा जाता है कि राक्षस महिषासुर का वध करने के बाद माँ दुर्गा ने अपना त्रिशूल धरती पर फेंका था। यह त्रिशूल यहीं आकर के गिरा था। इस स्थान पर माँ दुर्गा के शक्ति स्तंभ के रूप में पूजा की जाती है। आप सामने दर्शन कर सकते हैं माँ दुर्गा के। और जो यह त्रिशूल आपको दर्शन, इस त्रिशूल की ऊंचाई 26 फीट है। बड़ा ही सुंदर दृश्य है यहाँ पे मंदिर का।